हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पेंटेस्ट हिंट। और अगर आप नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो ये जो हम सीरीज़ देख रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए एक पूरा रोड मैप, जिसमें आपको पूरा कोर्स मिल रहा है कि आप पेनटेस्टिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किन किन टाइप की पेनटेस्टिंग है। सो आने वाले वीडियोज़ के लिए आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। सो जैसे हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोडक्शन देखा हमने, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स देखे, पोर्ट प्रोटोकॉल, सर्विस एंड सर्वर्स, देन हमने वर्चुअलाइजेशन देखा कि वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, उसमें काली लिनक्स कैसे इंस्टॉल करना होता है। आज हम चालू करते हैं कि कमांड लाइन फन क्या है। बट उससे पहले जो वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि जैसे नेटवर्क क्या है, कितने टाइप्स के हैं, आपको कौन से यूज़ करने होते हैं, वो डिस्कस करते हैं। देन कमांड लाइन फन चालू करते हैं उसका, काली लिनक्स का। सो इसके लिए मैं एक बार वर्चुअल बॉक्स को ऑन कर लेता हूँ। सो वर्चुअल बॉक्स में हमने जैसे काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन कर लिया था, सो मुझे यहाँ पे सिर्फ अभी इसको मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बट स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार इसके सेटिंग्स पार्ट में जाता हूँ, जिसमें मैं आपको नेटवर्क के अलग अलग टाइप्स बता सकूँ। सो जैसे मैं नेटवर्क पे आता हूँ, सो आप देख सकते हैं कि जैसे अडेप्टर वन और इनेबल नेटवर्क अडेप्टर नेट। सो यहाँ पे आपके मल्टीपल है, लाइक नोट अटेस्ट, क्लाउड नेटवर्क, नेट, जेनेरिक ड्राइवर, होस्ट ओनली, इंटरनल ब्रिज। अब ये बेसिकली है क्या? सो अगर मैं सिंपल नेट की बात करता हूँ, सो ये होता है आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए, जिसमें होता यह है कि आप वर्चुअल बॉक्स के अंदर पब्लिक इंटरनेट यूज़ ले सकते हो, बट आपका वीएम कोई स्कैन नहीं कर पाएगा। मेन जो आपका इंटरनल आईपी एड्रेस होगा वो आपका अलग होगा। मेन जो भी आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जिस भी आप नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, वो आप स्कैन नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ अगर मैं नोट अटेस्ट यहाँ पर चूज़ करता हूँ, सो नोट अटेस्ट का मेन हो गया जैसे हम लोग मेन सिस्टम के अंदर जैसे वाईफाई डिसकनेक्ट कर देते हैं या फिर लैन वायर को अनप्लग्ड कर देते हैं। मेन अगर आप चाहते हो कि इंटरनेट यूज़ में नहीं लेना फॉर एनी रीज़न, जैसे अगर आप कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपके नेटवर्क पे कुछ इम्पैक्ट ना हो, सो आप नोट अटेस्ट यूज़ ले सकते हैं। इसके बाद ब्रिज अडेप्टर होता है। ब्रिज अडेप्टर होता है मीन जो भी आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सो आईपी अलॉट करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ में आता है, विच इज़ DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो कि ये आईपी अलॉट करता है। सो आईपी अलॉट करने के लिए ये आपके वर्चुअल मशीन को, जो भी आपका वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको उसी नेटवर्क के अंदर आईपी अलॉट करेगा। मेन जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं मेरा आईपी एड्रेस देखता हूँ, सो मैंने यहाँ किया आईएफ कॉन्फ़िग करने पे अभी जो मेरा इंटरफेस है, उन इंटरफेसेस के बेसिस पे जो मुझे आईपी अलॉट है, लेट्स से 192.168.1.235, सो इसी रेंज के अंदर मुझे वर्चुअल बॉक्स के अंदर भी ये आईपी अलॉट करके देता है। बट सेम चीज़ नेट के अंदर ये अलग से एक प्राइवेट आईपी क्रिएट करता है, जिसमें आप इंटरनेट तो एक्सेस कर सकते हो बट आप होस्ट डिस्कवरी करके उसे यूज़ नहीं ले सकते। सेम चीज़ अगर मैं इंटरनल नेटवर्क की बात करता हूँ, सो इंटरनल नेटवर्क का मीन हो गया जब भी मैं इंटरनल नेटवर्क यूज़ लूँगा, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 से 3 वर्चुअल मशीन्स चल रही है, बट मैं चाहता नहीं कि होस्ट के साथ वो नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हो, बट अलग वर्चुअल मशीन्स के साथ मैं यहाँ पे कनेक्शंस चाहता हूँ। मेन जो भी कनेक्शंस होगा वो सिर्फ वर्चुअल मशीन्स के अंदर हो, सो मैं यहाँ पे इंटरनल नेटवर्क चूज़ करूँगा। सो यहाँ पे जो भी मेरा पार्ट आएगा, जो भी आईपी अलॉट होगी, जो भी कम्युनिकेशन होगा, वो सिर्फ वर्चुअल मशीन्स में होगा, होस्ट वहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगा। देन होस्ट ओनली अडेप्टर, जेनेरिक ड्राइवर और आपका क्लाउड नेटवर्क सेम भी इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है आपके, जैसे नाम से पता लग रहा है कि आपका होस्ट ओनली अडेप्टर। मेन सिर्फ आप होस्ट से ही कम्युनिकेट कर पाओगे, अगर आपकी और वर्चुअल मशीन्स चल रही है सो आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। सो कम्युनिकेशंस के बेसिस है अलग अलग। जैसे अगर मैं नेट की बात करता हूँ, जैसे हमने देखा कि नेट और नेट नेटवर्क, सो नेट में हमने देखा कि सिर्फ आपके मीन इंटरनेट तो चलेगा मीन, लेकिन आप जो भी आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। बट नेटवर्क की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, सो आप वहाँ से कम्युनिकेट तो कर पाओगे लेकिन आप और वर्चुअल मशीन से कम्युनिकेशंस नहीं हो पाएगा आपका। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको सेम नेटवर्क चाहिए, सो यू कैन यूज़ ब्रिज अडेप्टर। जैसे मैं अभी यहाँ पे ब्रिज अडेप्टर कर लेता हूँ। देन जो भी आप अडेप्टर यूज़ लेते हैं, उन अडेप्टर में आपसे पूछता है कि अभी आपको कौन सा इंटरफेस यूज़ लेना है। सो अगर मैं जैसे वाईफाई से कनेक्टेड हूँ,
सो मैंने जैसे वाईफाई चूज़ कर लिया, अगर आप ईथरनेट से है तो आपको ईथरनेट चूज़ करना होगा। सो जैसे मैंने यहाँ पे वाईफाई पोर्ट यूज़ में ले लिया एंड देन मैं इसे अभी कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैं इसे सिंपल स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने पे अब जो इसको आईपी अलॉट होगी वो मेरे डीएचसीपी के बेसिस पे होगी, जो मैं राउटर यूज़ ले रहा हूँ, जो मैं इंटरनेट यूज़ में ले रहा हूँ अभी। जैसे मेरा अभी 192.168 के अंदर है, सो मेरे को जो अभी वर्चुअल बॉक्स में जो काली लिनक्स को हल होगी वो भी 192.168 कुछ अलग ऑक्टेट के अंदर मुझे अलॉट हो जाएगा। सो वेट करते हैं एक बार। सो बेसिक कमांड्स देखने के बाद हम लोग एक बार एसएसएच से कनेक्ट कर लेंगे, ताकि हम लोग वर्चुअल मशीन्स में ना करें, और वर्चुअल मशीन्स के बजाय जो आपका होस्ट का जो टर्मिनल है या फिर कमांड प्रॉम्प्ट है, आप वहाँ पे ही डायरेक्ट एसएसएच कनेक्शन लेके आप अपने लिनक्स को यूज़ ले सकें। सो जैसे काली काली एंड देन लॉगिन। सो एक बार आपको सेटअप करना होगा सारी चीज़ें, और सेटअप करने के बाद आप अपने काले लिनक्स को मिनिमाइज रख सकते हैं, क्योंकि हम जो भी ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं वो अभी एक कमांड लाइन इंटरफेसेस पे देखेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, सो आप अपना वर्चुअल बॉक्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आपका टर्मिनल के बेसिस पे, आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्मिनल पे ही आपके वर्क हो जाएगा। सो काली लिनक्स का इंटरफेस जैसे ट्रैश नाम से पता लग रहा है, फाइल सिस्टम होम, सो जैसे रिसाइकल बिन, आपके ब्राउजर्स और मल्टीपल आप मेन्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग से रिलेटेड आपके मल्टीपल टूल्स है। सेम चीज़ वीए के लिए, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, डेटाबेस असेसमेंट, ऐसे करके आपके पास एन नंबर ऑफ टूल्स बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आते हैं आपके काली लिनक्स के अंदर। मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करने पे आप देख सकते हैं कि जैसे अभी काली एट काली, अब ये होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काली आपका यूज़र है, एंड देन एट द रेट के बाद जो भी आपका काली आ रखा है वो आपके सिस्टम का नाम है। मीन जो भी आप सिस्टम यूज़ में ले रहे हैं, आपने जब भी इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो भी आपने नाम रखा है वो यहाँ पे आ जाता है। अब सेम चीज़ अगर मुझे इसको स्विच करना है रूट के अंदर, सो लाइक सूडो, आपको सूडो की परमिशन की नीड होती है कुछ भी एक्टिविटीज़ के लिए। मेन कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर की जैसे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे विंडोज़ में आपने देखा होगा कि आपके एक पॉपअप आ जाता है जिसमें आपसे पूछता है कि एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन चाहिए। सो आप उसे अलाउ करते हैं, ओके करते हैं, तभी आप आगे चीज़ें कर पाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपके मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, सो कुछ भी आपको इंस्टॉलेशन करना हो, डिलीट करना हो, और जो भी आपको एडमिनिस्ट्रेटर की प्रिविलेजेस चाहिए, आपको उसके लिए सूडो यूज़ लेना होता है टर्मिनल में। देन जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ हाइफन एस, तो हाइफन एस होता है आपका स्विच करने के लिए कि मैं यूज़र्स को स्विच करना चाहता हूँ। सो पासवर्ड, सो जैसे मैं यहाँ पे पासवर्ड एंटर करता हूँ, सो अब आप देख सकते हो कि मैं अभी रूट के अंदर हूँ और यहाँ पे मेरा अभी भी सिस्टम का नाम जैसे काली ही आ रहा है। मेन डिफरेंस क्या आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके डॉलर का साइन आ रहा है। मेन जब भी आप कोई किसी वेबसाइट के सर्वर का, फॉर एग्जांपल आपने एक्सेस ले लिया या फिर आप कुछ भी देख रहे हो टर्मिनल के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि अगर डॉलर का साइन आ रहा है मेन वो वहाँ पे आपका नॉर्मल यूज़र है। बट जैसे ही आप हैश देख लेते हो, तो हैश देखते आपको पता लग जाता है कि मैं अभी रूट परमिशंस के साथ हूँ यहाँ पे। इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ऐसे करके आप परमिशंस को चेंज कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों के अंदर। मैं यहाँ पे एक बार न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। न्यू टैब ओपन करने पे आपको वही नॉर्मल यूज़र मिलेगा, जबकि यहाँ पे आपको रूट यूज़र है। नॉर्मल यूज़र के अंदर जो सबसे बेसिक कमांड है, विच इज़, या फिर मतलब स्टार्ट ही कर लेते हैं बेसिक से ही। बेसिक के अंदर हम लोग कमांड्स देखते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ में लेता हूँ सीडी। सीडी इज़ चेंज डायरेक्टरी। मेन अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर मूव करना है, सो यू कैन यूज़ सीडी कमांड। सो लेट मी फाइंड कि ये मेरा एक बार थोड़ा सा फॉन्ट पर चेंज साइज, चेंज
तो इतना विजिबल होगा आप लोगों के लिए। जैसे मैं सीडी यूज़ में लेता हूँ, सीडी इज चेंज डायरेक्टरी। अब जैसे मुझे कहाँ पे जाना है, लेट्स से होम के अंदर काली एंड देन डॉक्यूमेंट्स। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाना है, मैंने सीडी लिखा सिंपल। सीडी लिखने के बाद मैंने सिर्फ एच लिख के सिर्फ टैब प्रेस किया, तो टैब प्रेस करने पे उससे सिमिलर जो भी वर्ड्स होंगे वो आपके पास शो कर देगा। अदरवाइज आप डबल टैब प्रेस कर सकते हो ताकि आपको लिस्ट में शो कर दे। जैसे कि मैं यहाँ पे करके अब मैं डबल टैप प्रेस करता हूँ, मुझे बता देगा कि यहाँ पे आपके काली के अंदर डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स इतनी सारी चीज़ें हैं। आप लेट से डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं अपन लोग। आपको यहाँ पे बता देगा कि अभी आप डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है, यू कैन यूज़ mkdir विच इज़ मैक डायरेक्ट्री। आप यहाँ पे डायरेक्ट्री ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, पेन टेस्ट एंड एंड देन एंटर। अब मैं यहाँ पे जब मुझे ये सारी चीज़ें देखनी है कि इस फोल्डर में क्या क्या है मेन डॉक्यूमेंट्स में, मैं कमांड यूज़ लेता हूँ ls विच इज़ लिस्ट। मीन ls करके एंटर करता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे बता देता है यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है मेरा, और मुझे सारी चीज़ें देखनी है इस फोल्डर के अंदर। मेन हिडन जो फोल्डर्स होते हैं लिनक्स के अंदर वो भी देखने हैं। मैं ls-a यूज़ लेता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है टर्मिनल के रिगार्डिंग, बहुत अच्छे फीचर्स आते हैं इसमें। आप कोई से भी लिख के ls-l हेल्प लिख सकते हैं, जिसमें आपके सारे के सारे आपको बता देगा कि इसके कौन कौन से फीचर है इस कमांड के जो आप यूज़ में ले सकते हैं। जैसे -a मैंने यूज़ लिया, ऑल एंड -A लाइक ऑलमोस्ट ऑल, और ऑथर -B4 escape -B इग्नोर बैकअप्स -C कलर्स डायरेक्टरी डायट। ऐसे करके आप मल्टीपल ऑप्शंस यूज़ ले सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। जैसे -, ये सारी चीज़ें हटा के मैं लिखता हूँ ए। मेन ls-a है कि मुझे यहाँ पे हिडन चीज़ें भी शो करें। यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि आपको एक सिंगल डॉट, एक डबल डॉट, एक पेंटेस्टेंट। पेंटेस्टेंट तो आपको नॉर्मल ls से भी शो हो ही रहा था, बट जो शो नहीं हो रहा था विच इज़ डॉट एंड डबल डॉट। सिंगल डॉट का मतलब हो गया आपकी सीधा होम डायरेक्टरी। मीन आप सीडी लिख के एक सिंगल डॉट करते हो, आप होम डायरेक्टरी के अंदर चले जाते हो, और सीडी करके स्लैश और डबल डॉट लिखते हो तो आप एक डायरेक्टरी पीछे चले जाते हैं। इसका मतलब यही है सिंपल। और अगर आपको हिडन फोल्डर क्रिएट करना है, यू कैन यूज़ mkdir एंड देन डॉट पेंटेस्ट एंड हिडन एंटर। मैंने डॉट लगा के क्रिएट किया है, मेन यहाँ पे मेरा हिडन फोल्डर है। जैसे मैं सिंपल ls करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सिर्फ पेंटेस्टेंट दिखेगा, बट मैं ls-a करता हूँ, यहाँ पे मुझे पेंटेस्टेंट और डॉट पेंटेस्टेंट अंडरस्कोर हिडन ये सारी चीज़ें भी दिखेगी। सेम चीज अगर मैं Ctrl-L, और अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, यू कैन यूज़ rm कमांड। rm इट्स फॉर रिमूव। रिमूव करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे जैसे पेंटेस्ट एंड हिडन को आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मुझे एक एरर दे देता है कि कैन नॉट रिमूव द पेंटेस्ट एंड अंडरस्कोर हिडन इज अ डायरेक्टरी। मेन कि इसके अंदर कुछ एक फाइल्स है, जैसे कि हमने डॉट और डबल डॉट्स देखे। इसके लिए आपको रिकर्सिवली डिलीट करना होगा कि अंदर की जो चीज़ें हैं वो भी डिलीट हो जाए और फोर्सफुली भी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ rm-r और -f एंड देन पेंटेस्ट हिडन। आप ये भी कमांड यूज में ले सकते हैं। और अगर आपको -r और -f अलग अलग यूज नहीं लेना, आप -rf भी यूज ले सकते हैं। यूं करके जस्ट एंटर। यहाँ पे अब आपकी कोई सी भी परमिशंस की नीड नहीं आई या फिर डायरेक्टरी की, देन ls-a करके देखते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं वाला फोल्डर आपका कंप्लीटली रिमूव हो गया है। रिमूव के लिए rm-rf यूज ले रहे हैं हम लोग। इन्हीं सारी चीज़ों को करते करते, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं कमांड से रिलेटेड कि आपको रिमूव करने के लिए हमने डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अब लेट से आपको इसको रिनेम करना है पेंटेस्टेंट को। यहाँ पे मैं कमांड यूज़ लेता हूँ mv। mv करके पेंटेस्टेंट
अब यहाँ पे आपके जितने भी कमांड्स आती है, जो रिनेम की है, कॉपी है, मूव है, ये आपकी होती है कमांड, देन सोर्स एंड देन डेस्टिनेशन, कि आपका सोर्स क्या है और आप इसको डेस्टिनेशन कहाँ रखना चाहते हो। जैसे आप चाहते हो कि मैं इसको मूव भी कर दूँ विद डिफरेंट नेम, जैसे आपको इसको डाउनलोड्स में रिनेम करना है। सो मैंने क्या किया यहाँ पे, एम बी करके पेंटेस्ट तो लिख दिया एंड देन स्पेस देके, मतलब सोर्स तो हो गया, अब आपको डेस्टिनेशन देना है मेन। होम काली डाउनलोड्स, और मैंने यहाँ पे कुछ एक नया नाम दे देता हूँ, जैसे इसको पेंटेस्ट एंड न्यू, देन एंटर। सो यहाँ पे मेरे दो काम हो गए एक ही कमांड से, मैंने रिनेम भी कर दिया और मैंने मूव भी कर दिया। जैसे मुझे अब डाउनलोड्स में देखना है, सो सीडी डाउनलोड्स एलएस पेंटेस्ट एंड न्यू, यहाँ पे भी आपके फोल्डर है। फिर से मैं आ जाता हूँ, जैसे मैंने डबल डॉट स्लैश लगाया, एंटर करता हूँ, सो मैं एक फोल्डर पीछे आ गया, यहाँ पे एलएस करता हूँ, सो सेम चीज़ आपको दिख गई, देन सीडी डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स में जाके एलएस करता हूँ, तो आपको वहाँ पे आपकी ये चीज़ मूव हो चुकी है विद रीनेम। सेम चीज़ हम इसे वापस से ले आते हैं। सो एम बी करके मैं यहाँ पे अब पूरी लोकेशन देता हूँ कि होम काली डाउनलोड्स में जो भी ये फोल्डर है पेंटेस्ट एंड न्यू, ये मेरे पास फिर से आ जाए डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में ही पेंटेस्ट हिंट के नाम से, एंटर एलएस। सो यहाँ पे मेरे पास ये फोल्डर फिर से आ चुका है और डाउनलोड से मूव हो चुका है। सो मूव जैसे ही कॉपी कमांड भी यूज़ में ले सकते हैं हम, सीपी यूज़ में लेके। अब फॉर एग्जांपल मुझे पेंटेस्ट हिंट में जाना है, सो जस्ट सीडी पेंटेस्ट हिंट, सो यहाँ पे मैं ls-a करता हूँ, सो यू कैन सी अभी मेरा यहाँ पे फोल्डर पूरा का पूरा ब्लैंक है। एंड देन मुझे यहाँ पे अगर कुछ फाइल क्रिएट करनी है, मीन अब मल्टीपल वेज है, बट अभी हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं सिर्फ टर्मिनल के थ्रू, कि टेक्स्ट एडिटर कैसे यूज़ में लेना होता है या फिर उसके थ्रू आप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कोई भी फाइल क्रिएट करनी है, ओनली फाइल क्रिएट, बिना आपको ओपन नहीं करना है फाइल क्रिएट करने के बाद, सो आप सिंपल टच कमांड यूज़ में ले सकते हैं। टच कमांड के बाद आप जैसे भी लिखते हैं माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट और जो भी आप एक्सटेंशन देना चाहते हैं, जैसे कि .txt एंड देन एंटर। अब मैं एलएस करता हूँ और एलएस करने पे आप देख सकते हो आपके यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। बट सेम चीज़ अगर आप इसे किसी टेक्स्ट एडिटर के साथ ओपन करते हैं, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर नैनो आता है, आई थिंक सो विम भी बाय डिफ़ॉल्ट ही इंस्टॉल्ड होता है, नहीं होता तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं लाइक वी आई एडिटर एंड ऑल। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नैनो लिखता हूँ, सो जैसे अपने विंडोज़ में नोटपैड आपने देखा होगा, सबलाइन देखा होगा, ये सभी टेक्स्ट एडिटर्स हैं। सेम चीज़ लिनक्स के लिए भी है, जो कि टर्मिनल में एडिट करने के ही काम में आता है। अभी दो तरीके से वर्क करता है, अगर आपने यहाँ नैनो लिख के लाइक फाइल का नाम लिखा और एंटर किया तो ये इस फाइल को ओपन कर देगा, और लेट से आपने यहाँ पे कोई सा भी नया नाम लिख दिया, जैसे सेकंड डॉक्यूमेंट .txt। सो अब ये कमांड क्या करेगी, पहले ये एक फाइल क्रिएट करेगी और क्रिएट करने के बाद इसे ओपन करेगी। सो मैं इसे ओपन करता हूँ, सो अब आप देख सकते हो कि मैं टर्मिनल के अंदर ही इस फाइल को एडिट कर सकता हूँ। नीचे आपको साइन दिख रहा होगा विच इज साइन फॉर कंट्रोल, लेकिन आप कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो आप हेल्प में आ जाएंगे, कंट्रोल एक्स से एग्जिट, कंट्रोल ओ राइट आउट, कंट्रोल आर रीड फाइल, सो वेयर इज रिप्लेस, कट पेस्ट एग्जीक्यूट जस्टिफाई लोकेशन गो टू लाइन, जो भी आप फीचर यूज़ में लेना चाहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा कि हेलो गाइज, दिस इज माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल एंड टेस्ट हिंट, सिंपल। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो सेव करने के लिए मुझे बोल रहा है कि राइट आउट,
मेन कंट्रोल प्लस ओ। सो मैं यहाँ पे कंट्रोल और ओ प्रेस करता हूँ। सो कंट्रोल और ओ प्रेस करने में मुझे होता था कि फाइल नेम आपको यही रखना है, माय सेकंड डॉक्यूमेंट डॉट टीएक्सटी, या फिर आपको डॉक्यूमेंट चेंज कर देना है, मीन आपको रीनेम करना है। जैसे सेवेस का ऑप्शन आता है ना आपके, तो जैसे ही सेवेस करते हैं तो आपसे फाइल का नाम फिर से पूछता है, तो यहाँ पे आप फिर से नाम पूछ लेगा, और नाम पूछने के बाद आप फिर से वहाँ पे मतलब साथ के साथ रीनेम भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा माय सेकंड डॉक्यूमेंट डॉट टीएक्सटी, और यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर। यहाँ पे मेरी अब सेव हो चुकी है, सी रोट टू लाइन्स, कि मैंने यहाँ पे दो लाइन सेव कर दी है। अब एग्जिट करने के लिए मुझे यहाँ पे प्रेस करना है कंट्रोल और एक्स। सो जैसे कंट्रोल एक्स आया, सो कंट्रोल एंड एक्स। ना मेरी ये फाइल सेव हो चुकी है। एलएस करके मैं देखता हूँ तो जैसे मुझे यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, एक तो दिखाता है माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टीएक्सटी और एक दिखाता है माय सेकंड डॉक्यूमेंट डॉट टीएक्सटी। सो अभी आपको अगर फाइल्स के अंदर देखना है कि फाइल्स में क्या क्या चीज़ है और आप उसको प्रिंट आउट करके देखना चाहते हैं, मीन टर्मिनल के अंदर ही प्रिंट आउट, मीन ऑब्वियसली कमांड लाइन सीख रहे, तो सो यू कैन यूज़ कैट कमांड। कैट कमांड देने के बाद आप जो भी फाइल का नाम लिखते हैं उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो आपको टर्मिनल के अंदर शो कर देगा। जैसे मेरा अभी माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं था, सो इसने यहाँ पे ब्लैंक शो किया, बट मैं अगर यहाँ पे सेकंड डॉक्यूमेंट करता हूँ सो मुझे टर्मिनल के अंदर पेश करके दिखाएगा कि हेलो गाइज, दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब चैनल पेन टेस्ट, एंड तो ऐसे करके आपको यहाँ पे चीज़ें शो कर देगा। सो यू कैन यूज़ कैट कमांड टू प्रिंट आउट जो भी आपकी फाइल के अंदर था वो सभी का। सो यूं करके आप टच के थ्रू, आप नैनो के थ्रू, या फिर इसके अलावा एक टेक्स्ट एडिटर और आता है विच इज़ VI। सो VI लिख के मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय थर्ड डॉक्यूमेंट डॉट TXT, एंटर। सो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बट इसमें इतने ज़्यादा फीचर आपको दिखेगा नहीं, जैसे उसमें दिख रहा था कि कंट्रोल ओ करके आपने सेव कर दिया, एक्स करके, तो वो सारी चीज़ें दिख रही थी, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको टर्मिनल के अंदर सिर्फ आपको लाइंस दिख जाएगी जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो, बट टाइप भी आप जब कर सकते हो जब आप इसमें इंसर्ट मोड पे आते हैं। और इंसर्ट मोड पे आने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट की प्रेस करनी होती है, या फिर आपको आई की प्रेस करनी होती है। सो जैसे आई प्रेस करता हूँ या इंसर्ट की प्रेस करते हैं, सो अब आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आपके मोड आ गया कि इंसर्ट, कि अब आप यहाँ पे कुछ भी एडिट कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन एडिट दिस डॉक्यूमेंट। सो अब आप यहाँ से डॉक्यूमेंट ने जैसे आपने जो भी करना था वो आपने कर लिया, और अब इसके बाद में अभी भी आप इंसर्ट मोड पे ही है, तो पहले आपको सेव करने के लिए, क्विट करने के लिए यहाँ से इंसर्ट मोड से हटना होगा। सो सबसे पहले मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ। एस्केप की प्रेस करने पे मैं अभी इंसर्ट मोड से हट गया। अब मैं जो भी लिखूंगा वो मेरे यहाँ पे ये कमांड मोड पे ऑन होगा। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेट से कोलन लगाया, देन मैं यहाँ लिखता हूँ W। W स्टैंड्स फॉर राइट, कि मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, और लेट से आपको सेव करते इसको क्विट कर देना है, सो आप W एंड Q साथ में लगा सकते हैं, लाइक W एंड Q, एंटर। सो यू कैन सी मैं यहाँ पे आपको थर्ड डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ। सो नाउ यू कैन एडिट दिस डॉक्यूमेंट जो हमने लिखा था। फिर से एक बार इसके अंदर एक चीज़ और है आपकी, कि लेट से आपने यहाँ पे इंसर्ट की प्रेस किया एंड देन आपने कुछ चेंजेस किए, जो भी आपको टाइप करना था आपने एस्केप किया। अब आप चाहते हैं कि आपसे ही गलती से टाइप हो गया, अब आपको इसको सेव नहीं करना है, बट अगर आप कोलन करके क्यू लिखेंगे तो ये यहाँ पे बता देगा कि नो सिंस लास्ट चेंजेस, सो एड एक्सक्लेमेशन साइन टू ओवर रीड। सो यहाँ पे फिर से कोलन लगा के क्यू एंड दिस साइन, सो शिफ्ट एंड वन, सो ये साइन लगा के आप जैसे ही एंटर करोगे ये आपका फोर्सफुली क्विट कर देगा, जिसमें आपका कोई सा भी डेटा सेव नहीं होगा। सी सो यहाँ पे डेटा सेव नहीं हुआ, आपको फोर्सफुली क्विट करना है। सो यू कैन यूज एक्सक्लेमेशन साइन और उसकी हेल्प से आप फोर्सफुली उससे क्विट कर सकते हैं विम को। सो ये था सिंपल टेक्स्ट एडिटर का। यहाँ पे अब मुझे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस देख लेते हैं एक बार, कि इंस्टॉल कैसी चीज़ें होती है, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी
देखो, जब भी जब ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह क्रिएट किए जाते हैं लिनक्स से रिलेटेड, सो पहले से ही एक रिपोजिटरी या फिर मतलब एक बेस तैयार कर लिया जाता है, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट उनके जितने भी टूल्स वगैरह है वो एक ही जगह मिल जाते हैं आपको। जैसे आपको कोई सी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी हो एंड्रॉयड के अंदर, सो आप क्या करते हैं, प्ले स्टोर ओपन करते हैं, सर्च करते हैं और इंस्टॉल पे क्लिक, बस। मिलता है तो सही है, नहीं मिलता तो जैसे पबजी बैन हो गया, तो अभी वो नहीं है आपके प्ले स्टोर पे। सो आप उसके लिए क्या करते हो, कहीं दूर अलग सोर्स से आपने एपीके फाइल को डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना होता है, अगर आपके प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है तो। हालांकि नहीं करना चाहिए इसे, बट फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे आपने उसे इंस्टॉल कर रखा है। सेम चीज लिनक्स के साथ भी ऐसा ही है, एक टाइप का आपके एक रेपोजिटरी या फिर एक सोर्स क्रिएट कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम पे, जहाँ से वो सीधा पैकेजेस को डाउनलोड करके आपके इंस्टॉल कर देता है। सो जैसे कि मुझे कोई सी भी चीज़ इंस्टॉल करनी है, या फिर मुझे जैसे मेरा अभी काली लिनक्स अपडेट करना है, सो उसके लिए सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आप बोल सकते हो, मैं यहाँ पे यूज़ लेता हूँ apt-get। सो apt-get आपकी हेल्प करेगा डायरेक्ट सर्वर से कनेक्ट करने पे। अब जैसे ही आपने apt-get किया, ये अपने आप जैसे ही आप इंटरनेट के अंदर आओगे वहाँ पे ये अपने आप कनेक्ट कर लेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि अपडेट, सो apt-get अपडेट। सो अपडेट करने पे मैं करता हूँ सो भी परमिशन डिनाइड, लाइक सो सूडो की नीड है, सो सूडो अपने पास पहले से ही ओपन है, या फिर आप ये कमांड भी यूज़ ले सकते हैं अगर आपको यहाँ पे यूज़ में लेना है तो, जैसे सूडो apt-get अपडेट। सो अभी मेरे काली लिनक्स के अंदर ये चीज़ें अपडेट होने लग गई। सो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे काली डॉट डाउनलोड, काली-rolling इन रिलीज। सो यहाँ पे मैं आपको ये डोमेन ओपन करके बताता हूँ एक बार, या डायरेक्टली ओपन करके देख लेते हैं, काली डॉट डाउनलोड। सो जैसे ARM इमेजेस, बेस इमेजेस, काली काली इमेजेस, वर्चुअल इमेजेस, सो इन्हीं के बेसिस पे ही वो आपके पैकेजेस को इंस्टॉल करता है काली डॉट डाउनलोड। सो आप ये सारी चीज़ें टर्मिनल के ऊपर भी देख सकते हैं कि कहाँ से मेरे पैकेजेस डाउनलोड हो रहे हैं, जैसे 17.9 MB का। सो यहाँ पे काली डाउनलोड के अंदर, काली रोलिंग के अंदर मेन AMD 64 पैकेजेस के अंदर से ये मेरी चीज़ अपडेट हो रही है। सो ऐसे करके मल्टीपल हुआ है, जैसे कंट्रीब्यूट AMD 64, नॉन फ्री AMD 64 पैकेजेस, उनके कंटेंट्स, और अभी भी फेच कर रहा है, अभी कुछ रह गया हो तो। सो सेम चीज आप वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, बट मतलब कंसेप्ट बिहाइंड दिस कि जब भी आप apt-get करते हैं, सो वो बेसिकली ऑटोमेटिक उस वेबसाइट से कनेक्ट करके आपके सिस्टम पे आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करके दिखाएगा। मतलब जो भी हो आपको रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपको वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना है काली के अंदर, या फिर कोई अलग टूल है, इटरकेप हो गया, तो वो सभी आपके पैकेजेस वहाँ पे वेबसाइट पे होते हैं, apt-get लगाते ही वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाते हैं। सेम चीज़ अगर मुझे इसको अपग्रेड करना है, सो आई कैन यूज़ अपग्रेड। सो जैसे मैंने अपग्रेड किया, सो मुझे बोलता है कि 24.6 MB एडिशनल स्पेस होगा। ये सबसे अच्छी बात होती है लिनक्स की, अपने मन से कुछ भी नहीं करेगा ये, अगर इसको 1 KB की भी रिक्वायरमेंट होगी तो भी आपसे पूछेगा, अगर आपने यस लिखा है तो ही ये आगे प्रोसीड करता है, नहीं तो नहीं करेगा। सो दिस इज़ द लाइक सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर और ऑपरेटिंग सिस्टम से कंपेयर करें तो, मतलब आपकी मर्जी के बिना एक भी चीज़ इधर से उधर भी नहीं होगी आपकी। सो जैसे वाई करके, सो देखो जैसे यहाँ पे फिर से डाउनलोड, काली रोलिंग मेन AMD 64, ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे। सो अब ये आपकी पूरी प्रोसेस अपग्रेड की कंप्लीट होगी, जैसे 3% हो गया आपका अभी। सो जो भी आपके टूल्स पहले से इंस्टॉल्ड है और उनको अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, या फिर कोई पैकेजेस ऐसे है जिनके नए वर्जन आ चुके हैं और जो कि आपके ही
जो सर्वर रखा हुआ है जैसे काली आरडो डाउनलोड का, सो वहाँ पे अगर उसका अपग्रेडेड वर्जन है और आपके सिस्टम पे ओल्डर वर्जन है, सो वो उससे मैच करता है और मैच करने के बाद उसको यहाँ पे अपग्रेड कर देगा। सो आपके अभी अपग्रेड चलाने पे आपके जितने भी टूल्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बैश कनेक्शन फाइल, लिब ओपन SSH, WGET, GTK, तो ये जितने भी कमांड्स आपके यूज़ में आ रहे हैं, टूल्स काम में आ रहे हैं, उन सभी को यहाँ पे ये अपग्रेड करके आपको शो कर देगा। सो अभी के लिए हाँ, मैं अपग्रेड को यहाँ पे कंट्रोल सी करके अभी टर्मिनेट कर देता हूँ क्योंकि वो टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों के अंदर। हाँ, जैसे हमने एपीपी अपडेट देखा, अपग्रेड देखा, इसके बाद अगर मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है जो ऑलरेडी यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एपीपी गेट इंस्टॉल। एपीपी हाइफन गेट इंस्टॉल लिखने के बाद आप यहाँ पे जो भी पैकेज का नाम है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल लिखा, एंड देन मैं यहाँ पे डबल टैप प्रेस कर रहा हूँ। टैप की को डबल प्रेस करने पे यहाँ पे मुझे बता देता है कि वर्चुअल बॉक्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, लाइक वर्चुअल बॉक्स, DKMS, एक्सटेंशन पैक, गेस्ट एडिशन, गेस्ट यूटिल्स, गेस्ट X11, इससे रिलेटेड मेरे पास आ गया। या फिर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि टीम व्यूवर से नहीं है कुछ, लेकिन टीम स्प्लोइट करके है यहाँ पे। जैसे मुझे यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स का एक्सटेंशन पैक, यहाँ पे मुझे इंस्टॉल करना है ना? या फिर गेस्ट पैक इंस्टॉल करना है। गेस्ट से रिलेटेड देन गेस्ट यूटिल्स कर सकते हैं, ISO। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। गेस्ट यूटिल्स एंटर, ओप्स, सूडो सूडो। आपने एक बार जैसे सूडो के अंदर पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद आपको बार बार डालने की नीड नहीं है। वाई, यस, आप वाई भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप बाय डिफॉल्ट जब एंटर करते हैं तो जो कैपिटल होता है कैरेक्टर वो अपने आप उसको एग्जीक्यूट कर देता है। मैं यहाँ पे जैसे सिंपल एंटर करूँगा, कैपिटल वाई है मेन, इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट यस करने के लिए ही बोल रहा है आपको। आप एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं बिना वाई प्रेस किया। सो रिस्टार्ट सर्विस ड्यूरिंग पैकेज अपग्रेड विथआउट आस्किंग, ओके। यहाँ पे हाँ, जैसे मेरे पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है अब, या फिर आपको कोई दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना है तो अब बस आपको उससे रिलेटेड कुछ नाम लिखना है, जैसे क्रोम ब्राउजर हो गया या फिर और भी कोई टेक्स्ट एडिटर हो गया, सो आप वो यूज़ में ले सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि मुझे कोई पैकेज यहाँ पे डाउनलोड करना है और मेरे पास लेट्स से सिर्फ टर्मिनल का ही एक्सेस है और मुझे अब यहाँ पे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेने हैं। यह काम करते हैं, हम यहाँ पे SSH इंस्टॉल करते हैं एक बार। SSH से होगा ये, मेरे सिस्टम को मैं SSH क्रिएट करके मेरे मैक के अंदर उसको डायरेक्ट टर्मिनल के थ्रू SSH की IP से कनेक्ट कर सकूँगा और मुझे फिर वर्चुअल बॉक्स को मतलब दिखाने की नीड नहीं है, मैं इसको मिनिमाइज रख सकता हूँ। जैसे sudo apt-get install SSH2 और या फिर SSH, ओके, SSH एंटर। यहाँ पे मैंने मेरा SSH इंस्टॉल किया। ओके, देन सर्विस SSH एंड देन स्टार्ट। सुडो सर्विस SSH स्टार्ट, मेरे यहाँ पे SSH सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। एक बार मैं लोकल होस्ट पे कनेक्ट करके देख लेता हूँ, न्यू टैब पे जाके SSH लोकल होस्ट,
यस पासवर्ड आपका, जो भी आपके सिस्टम का पासवर्ड हो, यस मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका। सो लोकल होस्ट पे ये वर्क कर रहा है मेरा अभी। और सेम चीज मैं मेरे टर्मिनल को ओपन करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ SSH। अब आपको यूजर नेम लिखना है, जैसे कि काली यूजर नेम था, और अब आपको आपके काली लिनक्स की आईपी एड्रेस, सो आईपी एड्रेस देखने के लिए हमने देखा था ifconfig। ifconfig पे मुझे आईपी मिल रही है 192.168.1.247। सो मैंने क्या किया है यहाँ पे, यूजर नेम @192.168.1.247 एंड देन एंटर एंड यस कंटिन्यू एंड देन पासवर्ड। और आप देख सकते हो मैं यहाँ पे मेरे काली लिनक्स में लॉगिन हो चुका हूँ। अब मुझे इसकी नीड नहीं है वर्चुअल बॉक्स की, मतलब आपको चालू तो रखना होगा जब भी आपका ये वर्क करेगा, बट अभी हाँ वैसी नीड नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें उसी पे ही करनी है। सो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप उसको 2 GB RAM भी अलॉट कर देते हो और अलोकेशन के बाद आप यहाँ पे SSH के थ्रू यूज़ में लेना चाहते हो, सो हाँ थोड़ा मतलब कर सकते हो आप ऐसा। या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा लैपटॉप है और आप सेम नेटवर्क के अंदर है, सो आप उसको SSH क्रिएट कर सकते हो, और मतलब ऐसे सर्वर और क्लाइंट जैसा आप क्रिएट करके यहाँ पे आप इसे यूज़ में ले सकते हो। सो जैसे काली यहाँ पे आ गया, जैसे कि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ तो देखो पेन टेस्ट हैं, तो वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और सेम चीज़ अगर आपको रूट की परमिशन चाहिए, सो यू कैन यूज़ sudo-s ऑल्सो, देन आप रूट की परमिशंस पे भी आप एंटर हो चुके हो। अब जैसे मुझे कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, अब मेरे पास उस काली लिनक्स का वो नहीं है एक्सेस कि मैं वहाँ पे ब्राउज़र पे जाके कुछ डाउनलोड कर सकूँ। सो जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, लिखता हूँ टीम व्यूअर डाउनलोड फॉर काली या लिनक्स जो भी आप लिखते हैं, सो टीम व्यूअर लिनक्स डाउनलोड, और यहाँ पे लिनक्स के लिए आ चुका है डाउनलोड टीम व्यूअर। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपकी DMG फाइल आ रही है जो कि मैक के लिए है, बट मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ एंड देन एक्सेप्ट। उबंटू के लिए मुझे DB यूज़ में लेना है, विच इज़ डेबियन पैकेजेस। सो अभी मेरा 64 बिट का है, सो यहाँ पे 64 बिट करके एंटर। सो हम जैसे DEB, सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट क्लिक करने पे मैं चीज़ डाउनलोड कर सकता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इसे डाउनलोड नहीं करता, राइट क्लिक करके मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक। सो कॉपी लिंक करने के बाद फिर से टर्मिनल ओपन करता हूँ मैं मेरे मैक का, और मुझे यहाँ पे जैसे LS के अंदर यहाँ पे अभी मेरी 3 चीज़ें हैं, माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, सेकंड एंड थर्ड, मैं यहाँ पे डाउनलोड करना चाहता हूँ टीम व्यूवर का। सो आपको कमांड यूज़ लेनी है wget। सो wget कमांड लिखे आप जो भी आपने URL लिख रखा है वो उस चीज़ को सेव करके आपके ही इस डॉक्यूमेंट के अंदर रख देगा। सो एंटर। सो जैसे ये यहाँ पे अभी डाउनलोड हो रहा है मेरा टीम व्यूवर AMD.DEV जो कि मेरा डेबियन पैकेजेस है। सो यहाँ पे आप wget कमांड यूज़ ले सकते हैं किसी वेबसाइट को सेव करवाने के लिए या फिर कोई चीज़ डाउनलोड करने के लिए, मीन डेटा ट्रांसफर टाइप की चीज़ है। सो वो अगर एक्सेसिबल है आपके HTTP HTTPS पे, तो आप डायरेक्ट wget की हेल्प से उसे सीधा का सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। सो ETA अप्रोक्स 14 सेकेंड्स। लेट्स चेक मोबाइल नोटिफिकेशंस। सो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड देन LS करके देखता हूँ। सो यू कैन सी द टीम व्यूअर AMD64.TEV। अब जितने भी जैसे हमने देखा आपके apt-get से सर्वर पे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था, अब आपको .deb इंस्टॉल करना है। सो यू कैन यूज़ dpkg कमांड, dpkg लाइक डेबियन पैकेजेस, देन -i स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल
एंड देन आपके पैकेज का नाम, सो टीम व्यूअर अंडरस्कोर MD64 डॉट जो भी आपके पैकेज का नाम था उस लोकेशन पे आके, जैसे मैं अभी होम काली डॉक्यूमेंट्स पेंटेस्ट इन पे ही मैंने किया है, तो मुझे ये कमांड यहीं चलानी होगी, अदरवाइज आपको यहाँ पे पूरी लोकेशन देनी होती, देन एंटर। सो अब ये डेबियन पैकेजेस को इंस्टॉल करके आपके काली लिनक्स में शो कर देगा वैसे तो, बट जैसे कि टीम व्यूअर आपका पूरा GUI टूल है तो वो आपके वहीं पे ही रन होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का तो, बट आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है लेट्स से टर्मिनल के बेसिस के, तो आप यहाँ से WGET की हेल्प से या फिर .DEB की हेल्प से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है इंस्टॉलेशन के लिए, जैसे जो भी एग्जीक्यूशंस वाली फाइल्स होती है, जैसे कि जिसमें विजार्ड टाइप की चीज़ें आती है, जैसे आप विंडोज़ में करते हैं कि नेक्स्ट 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 करके, तो सेम चीज़ लिनक्स के लिए भी ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। सो इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए आपको यूज़ लेना होता है .slash यूज़ लेने के बाद आप कोई सी फाइल का नाम लिखते हो, जैसे कि abc.sh, तो SH आपकी शेल फाइल हो गई। अब आप जैसे ही यहाँ पे इसको एंटर करते हो तो ये एग्जीक्यूट होती है, मेन आप जो डेबियन पैकेजेस कर रहे हो आपने उसे इंस्टॉल करके रन किया, बट यहाँ पे ये चीज़ एग्जीक्यूट होती है कि जो भी कमांड है, लेट्स से आपको मेटाएक्सप्लॉइट इंस्टॉल करना है, तो जैसे उसकी .sh फाइल आई है तो ऑब्वियसली उसका पूरा विजार्ड होता है इंस्टॉलेशन का, सो नेक्स्ट 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 करके आप वहाँ से सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। सो कुछ एक तरीके हैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन के, एंड इसके बाद में आपको इन चीज़ों को अनइंस्टॉल करना है। सो जैसे मुझे अब वर्चुअल बॉक्स का जो एक्सटेंशन जो यूटिलिटी किया था वो मुझे अनइंस्टॉल करना है, या जो भी पैकेजेस था, सो apt-get और जो भी पैकेज का नाम हो, सो वो करने के बाद आप जैसे ही एंटर करते हैं आपका पैकेज अनइंस्टॉल हो जाता है। सेम चीज़ अगर आपको उसकी डिपेंडेंसीज भी क्लियर करनी है, क्योंकि बहुत बार होता है कि कैशेस के साथ जुड़ जाता है या फिर वो एक ही पैकेज मल्टीपल टूल्स के साथ इंस्टॉल होता है, जैसे कि अगर मैं MySQL की बात करूँ तो phpMyAdmin की बात करूँ, सो वो कॉम्बिनेशंस होता है अलग अलग चीज़ों के साथ में, तो वो आपके अनइंस्टॉल तो हो जाएगा बट उसकी जैसे कुछ DB फाइल्स हो गई वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में ही रह जाती है, तो आप जब फिर से उसे इंस्टॉल करते हैं तो आप सेम एरर मिलेगी आपको जो आपको पहले आ रही थी जिसकी वजह से आपने उसको अनइंस्टॉल किया है। सो उसके लिए आप अनइंस्टॉल की जगह यूज़ में लेंगे पर्ज कमांड। पर्ज में होगा ये कि आपके सारी डिपेंडेंसीज भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, एज सिंपल। सो पर्ज के बाद में हम लोग देखते हैं कि जो भी आपकी परमिशंस होती है वो परमिशंस एक्चुअली में वर्क कैसे कर रही होती है। सो यहाँ पे मैं एक बार फिर से वो ही ओपन कर लेता हूँ मेरा वर्चुअल बॉक्स ही। सो वर्चुअल बॉक्स में आने के बाद मैं अभी जैसे पेंटेस्ट इंट वाले में फोल्डर में हूँ। सो जैसे अभी आपको सिंपल आपको रेड कलर का ये यहाँ पे दिख रहा है, मेन ये कि आपकी एग्जीक्यूटेबल या फिर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं किसके पास फुल परमिशंस है। परमिशंस चेक करने के लिए इस फोल्डर में मैं यूज़ लेता हूँ लाइक ls-l। सो ls-l करने पे मुझे लिस्ट शो करेगा विद ऑल परमिशंस। सो अब यहाँ पे आपको शो करता है लाइक -rw-r-r-r-r देन 1 kali-kali-0 December 6-5-4 माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, तो ये सब चीज़ें है क्या, तो इसको देखने के लिए एक बार हम लोग सबलाइन पे जाते हैं ताकि इन सारी चीज़ों को समझ पाए कि -r क्या है, w क्या है। सो उसके लिए मैंने पहले से ही एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है, वो डॉक्यूमेंट मैं आपको शो करता हूँ। सो जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है विच इज़ कि आपके इनको तीन पार्ट में क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट मीन फाइल तीन पार्ट में आ सकती है, कि फाइल का कोई ओनर होगा, फाइल किसी ग्रुप में होगा, या फाइल को कोई भी यूज़ में ले सकता है लाइक एनीबॉडी कैन यूज़। सो तीन टाइप से इसे क्रिएट कर सकते हैं, सो एक ओनर, ग्रुप एंड अदर्स। इन तीनों के बेसिस पे ही आपके एक्शन रिक्वायर्ड होते हैं, मीन आप फाइल को कोई रीड कर सकता है, राइट कर सकता है या फिर एग्जीक्यूट कर सकता है।
जैसे हम लोगों ने एग्जीक्यूट के लिए देखा, जैसे डॉट स्लैश करके एग्जीक्यूट हो गया, रीड राइट मेन आप उस फाइल में ओपन करके चेंजेस कर सकते हो। सो जैसे कि यूजर कैन रीड, यूजर कैन राइट, यूजर कैन एग्जीक्यूट, सेम फॉर ग्रुप्स, रीड राइट एग्जीक्यूट एंड फॉर अदर रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। मेन अगर तीनों ही यूजर मेन तीनों ही यूजर्स हो गए आपके, मेन ओनर्स, ग्रुप और अदर सभी, अगर वो सभी रीड राइट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दैट्स मीन वहाँ पे फुल परमिशंस है। उन सारी परमिशंस को अलग अलग नोटेशंस पे या फिर सिंबॉलिक व्यू में देख सकते हैं कि आर आएगा आपके फॉर रीड, डब्ल्यू आएगा आपके फॉर राइट एंड एक्स स्टैंड्स फॉर योर एग्जीक्यूट। इसको जो हमने अभी देखा उसको एक कमांड पे देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये शो हो रहा था। सो लाइक हाइफन आर डब्ल्यू हाइफन आर हाइफन हाइफन आर हाइफन हाइफन 12 काली काली 12.0 के डिसम्बर 8, ये सारी चीज़ें है क्या? सो जैसे कि यहाँ पे भी आप ये सारी चीज़ें शो कर रही है, हाइफन हाइफन डबल हाइफन। सो हाइफन को आपको अभी के लिए इग्नोर कर देना है। एंड इसके साथ आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल किस टाइप की है आपकी, मीन इज इट फाइल और फोल्डर। जैसे कि मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपको, लेट से मैं यहाँ पे एक चीज क्रिएट कर देता हूँ, mkdir टेस्टिंग, नाउ ls-la। सो जैसे मेरे यहाँ पे टेस्टिंग का आ रहा है, सो टेस्टिंग में मुझे यहाँ पे डी शो कर रहा है, दैट्स मीन डायरेक्टरी, मीन ये मेरी डायरेक्टरी है, मेरी कोई फाइल नहीं है यहाँ पे। सो जो आपका फर्स्ट शो करता है विच इज़ फॉर आपका फाइल टाइप, जैसा कि हमने यहाँ देखा। सो यहाँ पे आपको बता देगा कि किस टाइप की फाइल है। सेकेंड आपके ऑब्वियसली तीन ही हैं, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। सो फर्स्ट आपको बताएगा कि ओनर को क्या परमिशन है। सो ओनर को है रीड राइट की परमिशन है यहाँ पे। सेम चीज़ अगर मैं ग्रुप की परमिशन देखूँ, सो ग्रुप की परमिशन मेरी है अभी रीड करने ओनली, और अगर मैं अदर परमिशंस देखूँ सो सेम चीज़ सिर्फ रीड करने की परमिशन है। देन अल्टरनेटिव एक्सेस मेथड अभी यहाँ पे ब्लैंक है कि और कौन एक्सेस कर सकता है। देन इनका ओनर कौन है, सो यहाँ पे आपके ओनर बता देते हैं, आपके ग्रुप कौन से हैं, आपको यहाँ पे ग्रुप पता लग जाएगा। सो जैसे अभी जो भी आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ रहा है विच इज़ ओनर, एंड जो सेकंड नाम हो रहा है विच इज़ ग्रुप। अब सेम चीज़ लाइव एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सो जैसे काली यहाँ पे ओनर है और काली ही यहाँ पे ग्रुप है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा था। बट जैसे टीम व्यूवर एमडी के बारे में हम देखते हैं, सो ये यहाँ पे आपका रूट है, मेन आपके रूट यूजर है, ओनर है और रूट आपका ग्रुप है। सो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि किसको क्या क्या परमिशन मिल रखा है यहाँ पे। सो जैसे मैं टेस्टिंग को देखता हूँ, सो देखो जैसे इसके अंदर आर डब्ल्यू एक्स, मेन यहाँ पे इसे रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है किसको, फर्स्ट ओनर को या फिर रूट को। देन ग्रुप को यहाँ पे परमिशंस है रीड एग्जीक्यूट की, एंड देन ग्रुप को परमिशन है रीड और एग्जीक्यूट की, मीन यहाँ पे सिर्फ राइट की परमिशन नहीं आ रही है, यहाँ पे सिर्फ एग्जीक्यूशन की परमिशंस है यहाँ पे। सो यूँ करके आप सिंपल यहाँ पे परमिशंस चेक कर सकते हो, या फिर आप इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी आप समझ सकते हो कि कैसे इसे डिवाइड किया गया है। नाउ chmod हाँ कमांड यूज़ में लेते हैं फॉर द चेंजिंग मोड, कि आपको परमिशंस चेंज करनी है या फिर इसका मोड चेंज करना है। सो हमारे पास कमांड है chmod, उसके बाद आपको ऑप्शंस देने होते हैं, देन परमिशंस एंड देन फाइल का नाम। उसके बाद में आप सिंपल chmod की हेल्प से आप परमिशन से नाम चेंज कर सकते हो। अगर आपको नाम यूज़र के बेसिस पे या फिर ग्रुप के बेसिस पे चेंज नहीं करने हैं, सो यू कैन यूज़ न्यूमेरिक नोटेशन ऑल्सो। जैसे आपने देखा होगा कि chmod 777 करके एंटर कर देते, तो उसका मीन क्या होता है? सो यहाँ पे आपके तीन डिजिट में आप यूज़ में ले सकते हो, जैसे कि फर्स्ट, ऑब्वियसली फर्स्ट आपके यूज़र के लिए, सेकंड ग्रुप के लिए एंड थर्ड अदर्स के लिए। सो 0 मीन हो गया आपका नो परमिशन, यहाँ पे कोई परमिशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। 1 का मतलब हो गया आपका ओनली फॉर एग्जीक्यूट परमिशन, 2 राइट, 3 राइट एंड एग्जीक्यूट, यहाँ पे दोनों एक साथ मिल जाते हैं, 4 रीड, एंड 5th इज रीड एंड एग्जीक्यूट।
then 6 is read and write, and 7 is for all read write and execute. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि सी एच मोड 644 की परमिशन दे दीजिए. सो 644 में आपको पता लग जाएगा 6 स्टैंड्स फॉर रीड एंड राइट एंड 4 एंड 4 रीड एंड रीड. मेन यूजर, मेन जो ओनर है उसको तो रीड और राइट की परमिशन है, बाकी सभी को रीड और रीड की ही परमिशन है 644 में. अगर कोई इन्हें 777 परमिशन दे देता है दैट्स मीन तीनों को ही रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है. सो सिंपल यूज करके देखते हैं इसे. सो मैंने यहाँ पे सी एच मोड करा. जैसे मुझे माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट का चेंज करना है, यहाँ पे इसको फुल परमिशंस देनी है. सो एंड देन फाइल का नाम, एंटर ls-la करते हैं. सो यू कैन सी यहाँ पे अब मेरे पास फुल परमिशंस आ गई है रीड राइट एग्जीक्यूट की, रीड राइट एग्जीक्यूट की. एंड देन यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन हो जाएगा. मैंने इसको चेंज कर दिया. सेम चीज़ अगर मैं इसे 644 कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट ls-aa. यहाँ पे अब जैसे रूट को तो फुल परमिशन है, लेकिन जैसे अभी नॉर्मल यूज़र को सिर्फ रीड की परमिशन आ रही है यहाँ पे, जैसे रीड राइट की, यहाँ पे सिर्फ रीड की परमिशन है. सो यू करके आप परमिशंस इसकी चेंज कर सकते हैं. सेम चीज ओनरशिप के लिए भी कमांड यूज में आती है, लाइक ch own. सो ओनरशिप लेने बट ध्यान से यूज लेना होता है, क्योंकि अगर आप ओनरशिप चेंज कर रहे हैं, उसका ग्रुप चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सोच समझ के करना होता है, क्योंकि फाइल फिर एग्जीक्यूशन के अंदर आपके इशू देता है. और बहुत बार स्टूडेंट्स के साथ देखा भी है मैंने कि वो ch मोड करके एंड देन जैसे 777 करके और स्लैश करके और फुल परमिशन दे देते हैं कि मुझे तो सीधा रूट में ही परमिशन दे देनी है 777 की. बट यहाँ पे पूरा जो परमिशंस का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो सारा बिगड़ जाता है. सो जो नीड हो आपको वही परमिशंस देनी होती है. अगर आपको लगता है कि सिंपल एग्जीक्यूट की परमिशन देनी है, सो आप सिंपल एग्जीक्यूट की परमिशन दीजिए. रीड की देनी है, सो ओनली रीड. राइट की देनी है, सो ओनली राइट परमिशंस. सो यूँ करके आपके ये सी एच मोड के परमिशंस होती है अलग अलग. इसके बाद में हम नए कमांड्स की ओर बढ़ते हैं. सो इसके अलावा बेसिक कमांड देखते हैं, तो लाइक pwd हो गया अपना, जो कि प्रिंट कर देता है आपकी वर्किंग डायरेक्टरी की अभी आप कहाँ पे हो. लाइक अभी मैं होम खाली एंड डॉक्यूमेंट एंड पेन टेस्ट में हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हिस्ट्री चेक करनी है, सो यू कैन यूज हिस्ट्री कमांड. सो हिस्ट्री कमांड आ जाएगा आपका पूरा, जो जो कमांड आप अभी यूज़ में लिए, जैसे आज हमने जो यूज़ में लिया है इंस्टॉलेशन के बाद से, तो वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स करके बता देता है प्रिंट करके. एंड क्लियर. इसके अलावा अगर जैसे हमने इसका टेक्स्ट एडिटर्स का देखा था कि नोटपैड का मीन नैनो एंड विम. इसके अलावा आप ईको यूज में ले सकते हैं ईको कमांड. सो जैसे मैं यहाँ पे ईको लिख के और कुछ भी लिख देता हूँ कि पेन टेस्ट हिंट और आपको प्रिंट करना है एंड देन साइन लगा के और फाइल का नाम. लेट से मैंने फाइल का नाम लिख दिया ईको टेस्ट डॉट txt. सो यहाँ पे एक ही लाइन में ये आपका राइट भी कर देता है और फाइल नहीं होगी तो उसे क्रिएट भी कर देगा. सो जैसे मैं कैट करता हूँ ईको टेस्ट, तो यहाँ पे मुझे बता देता है पेन टेस्ट एंड जो भी मैंने वहाँ पे राइट कर रखा था. इसके अलावा आपको अगर अभी ये चेक करना है कि कौन से पोर्ट ओपन है, क्या सर्विसेज चल रही है, सो यू कैन यूज नेट स्टेट कमांड. सो नेट स्टेट करके जैसे मैं एंटर करता हूँ, सो यहाँ पे मुझे बताता है कि TCP UDP अभी यहाँ पे कनेक्टेड है, एक SSH से एक बूट इससे जो कि मैकबुक से अभी कनेक्टेड है, और दूसरा जो भी मेरा कनेक्शन क्रिएटेड आ रखा है, जो मेरा ISP है उससे रिलेटेड बता रहा है. बाकी नेट स्टेट के बारे में आप -- हेल्प करके और बेसिक कमांड्स भी चेक कर सकते हो, जैसे कि -r फॉर रूट, -r फॉर इंटरफेसेस. सो जैसे कि वर्बोस मोड हो गया आपका, वाइट, न्यूमेरिक, सिंबॉलिक, एक्सटेंड, लिसनिंग, -a, ऑल करके देख लेते हैं. नेट स्टेट -all या -a.
सिंपल हाइफन ए के अंदर अभी मुझे ये कनेक्टेड वही चीज़ बताएगा, लेकिन जैसे लोकल आईपी से आपका कनेक्टेड चीज़ हो गई, लेट्स सी, जैसे लोकल होस्ट से अभी 5939 यूज़ में आ रहा है, फॉरेन एड्रेस यहाँ पे जा रहा है, सो अभी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ कनेक्ट कर देता हूँ कोई ब्राउज़र वगैरह पे। सो मैंने यहाँ पे ब्राउज़र ओपन किया, लेट से मैं यहाँ पे google.com ओपन कर देता हूँ। ओके नाउ मैं इसके टर्मिनल पे आके फिर से नेट स्टेट हाइफन ए कमांड चलाता हूँ अभी, और अब आपको जैसे दिख रहा होगा काली डॉट लेन पे यहाँ यहाँ पे विजिट हो रहा है, जैसे https https https, तो ये कनेक्टेड वेबसाइट्स है। सो जब भी हम किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो उस पोर्ट के साथ जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे आपका बताता है कि वो जैसे https जो पोर्ट है वो आपके किस पोर्ट से कनेक्टेड है। सो जैसे डायनेमिक पोर्ट आ गया, जो हमने नेटवर्किंग के अंदर देखा था कि 55714 किससे कनेक्टेड है। सो यूँ करके मल्टीपल कमांड्स है, इसके अलावा भी बहुत सारी कमांड्स आ जाती है आपकी काली लिनक्स के अंदर, बट लाइक इन स्टार्टिंग आप यहाँ से यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि आपका एक बार बेसिक फंडामेंटल जब क्लियर हो जाता है कि ये कमांड्स हो गई, लाइक apt-get का हो गया, आपको परमिशंस चेंज करना आ गया, आपको फाइल को मूव करना, क्रिएट करना, उसमें एडिट करना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि अब कौन सी कमांड यूज़ में लेनी चाहिए। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में भी डाला था कि जो टॉप 9 यूजफुल वेबसाइट थी उसमें एक वेबसाइट थी कि लिनक्स शेल के बारे में बताता कि कौन सी कमांड कैसे यूज़ में ले सकते हो आप। सो उसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है, सो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं रेफरेंस के बेसिस पे। सो गाइस, हाँ अभी के लिए काले लिनक्स की कमांड में अभी तक के लिए इतना ही है, बाकी और कुछ कमांड यूज़ में आती रहेगी वो आने वाले वीडियोस में अपन को पता लगता रहेगा, क्योंकि मीन एंडलेस कमांड्स है इसके अंदर, मीन हर चीज के लिए, क्योंकि सारी चीजें आप टर्मिनल के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का ही एक पार्ट आएगा, थर्ड वीडियो का ही, विच इज फॉर बैश स्क्रिप्टिंग, जिसमें फंडामेंटल्स देखेंगे, लाइक इन डेप्थ नहीं देखेंगे कि क्या होता है, ताकि एक बार आइडिया हो जाए कि बैश स्क्रिप्टिंग क्या है, कैसे क्रिएट की जाती है, लूप वगैरह क्या होते हैं या फिर वर्क कैसे करती है। सो थर्ड पार्ट का ही अगला वीडियो देखते हैं, देन विल स्टार्ट द नंबर 4 विच इज OSINT, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एप्लीकेशन नेटवर्क, पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सो ये नंबर 5 के अंदर आपके कवर होगा। सो अभी फोर्थ पार्ट अपन कवर करते हैं ऑलमोस्ट, देन विल डिसाइड कि OSINT के अंदर क्या क्या चीजें होगी। सो आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही आपके पास वीडियोस आए आपको पता लग सके कि वीडियोस आ चुका है इससे रिलेटेड। ओके गाइस, सो वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके बाय बाय। सो गाइस, वीडियो ऑब्वियसली आपको शायद अच्छे लग रहे हैं, मीन व्यूज कमेंट सारी चीज अभी सही है अभी, एंड अगर आपको कुछ भी लगता है और अगर आप नए हैं सो प्लीज़ स्टार्टिंग से देखिए, इंट्रोडक्शन से लेके जिसमें नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, पोर्ट्स, प्रोटोकॉल्स, सर्वर्स कैसे क्रिएट किया जाता है, आपके लोकल सर्वर्स, ये सभी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। देन वर्चुअलाइजेशन के अंदर भी कि वर्चुअल बॉक्स क्या है, कैसे वर्क करता है आपके, एंड काली लिनक्स क्या है, कैसे उसे इंस्टॉल कर सकते हैं डायरेक्ट OVA फाइल या VDI फाइल के थ्रू भी, जहाँ पे आपके प्री इंस्टॉल्ड सभी चीज़ें आती है आपके। देन उसके जो नेटवर्क के टाइप्स है वो अभी तक सभी कंप्लीट हो चुके हैं। देन आज के इस वीडियो में आपने देखा कि काली लिनक्स के अंदर आप टर्मिनल के थ्रू कैसे यूज़ में ले सकते हैं कमांड्स को, या फिर क्या बेसिक कमांड्स है जो आपको स्टार्टिंग के अंदर आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं अगर आप नए हैं काली लिनक्स के लिए, एंड आप SSH के थ्रू कैसे ही अपने सिस्टम को
में डायरेक्ट काली लिनक्स यूज ले सकते हैं। सिर्फ आपको SSH का सर्वर क्रिएट करना है, और सर्वर क्रिएट करने के बाद आप डायरेक्ट अपने सिस्टम के अंदर अपने काली लिनक्स को यूज में ले सकते हैं। ऐसी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आपको विंडोज का इंटरफेस अच्छा लग रहा है, आप सिर्फ वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स डाल के रख लेते हैं और वहां पे SSH सर्वर क्रिएट करके डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाते हैं। गाइस हाँ, बस यही था लास्ट में आने का मोटिव कि इंट्रोडक्शन नेटवर्किंग वर्चुअलाइजेशन और कमांड लाइन फन के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एंड विल ट्राई कि जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ कंप्लीट होती रहे, बट ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लग रहा है। मेन 2 से 3 दिन लग जा रहे हैं एक वीडियो के अंदर। हाँ बट कोई ना, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा टाइम दे सकूँ मेरे ऑफिस के बाद में भी। तो ओके गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर लव, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।